वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। अभी हम लोग हैं वैगनर के सीरीज में और इसमें हम लगा रहे हैं पिक्स ऑफ कर्टेंस। ये वाले जो हैं सेट ऑफ फोर आते हैं चारों साइड के लिए, लगा के दिखाते हैं आपको कैसे लगेंगे और कैसे निकलेंगे और फिर इनके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट के बारे में भी बात करते हैं। दो आते हैं मतलब जो उधर के होंगे, ये आगे वाले दोनों एक जैसे होंगे, पीछे वाले दोनों एक जैसे होंगे। लगाने का तरीका आप देख सकते हैं कुछ इसमें, हल्का सा इसको वायर को बेंड करना है और इसको ऐसे इसमें फंसा देना है। जो साइड ग्लास देखने के लिए जगह है इसमें, वो इसमें यूं की यूं बची रहती है, इसलिए इनको फिक्स हाफ कर्टेंस बोलते हैं। एक बार इसको निकाल के और दिखाते हैं, पहले निकाल के दिखाओ सर एक बार। देखो ये है बिल्कुल आसान तरीके से, हल्का सा बेंड करना है और निकाल देना है और ऐसे ही हल्का सा इसको वायर को ऐसे बेंड करना है और इसमें लगा देना है। कुछ ऐसी इसकी फिटिंग आएगी। आप चाहें तो थोड़ा बहुत आगे पीछे इसको कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको इसी लास्ट पॉइंट पर ही रखा जाता है कुछ ऐसे में, तो जिससे आप साइड ग्लास देख सकते हो आराम से। और मान लो इसके लगे लगे आपको कोई पार्किंग की पर्ची वगैरह देनी है तो आप वो भी दे सकते हो। उधर भी सेम वैसी फिटिंग आएगी, वो आपको लगा के दिखा देते हैं। पहले बैक साइड के अंदर लगा लेते हैं एक बार कि बैक ग्लास के अंदर क्या क्या चीज़ देखने वाली है। ये वाले इस वाले में ये देखिए, ये है प्रॉपर इसका साइज और कुछ इस तरीके से ये भी इसमें बेंड करना है और इसको ऐसे इसमें फिक्स कर देना है। कुछ यूँ ये ऐसे बिल्कुल फिक्स आ जाएगा इसमें कुछ इस तरीके से। ये 100% बिल्कुल प्रॉपर इसके हिसाब से हो गया। और क्वार्टर ग्लास नहीं होता ये, इवन कोई भी गाड़ी हो जिसका फिक्स आप कर्टन ले रहे हैं, क्योंकि ये बिडिंग के अंदर फंसता है और इसके बीच में ये आ जाता है, तो कोई भी क्वार्टर ग्लास उन गाड़ियों के अंदर नहीं आता है। क्वार्टर ग्लास का मतलब मिलेगा ही नहीं, ये ओपन ही रहेगा ऐसे ही। साइड कर्टन जो है वो इतने का ही यही साइज होगा इसके अंदर ऐसे का ऐसा। और आगे वाले के अंदर साइड ग्लास देखने के लिए प्रॉपर जगह इसमें होती है। ये देखो उस साइड में लग गया। लगाने का तरीका सिंपल है, आप आराम से लगा सकते हो, आराम से निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से। कुछ ऐसे इसकी फिटिंग हो जाती है। अब देखते हैं आपको उस साइड का दिखाते हैं। देखो ये आ गई है फिटिंग कुछ ऐसी। तो आप जैसे अंदर बैठे हो तो ये साइड ग्लास देखने के लिए इसमें स्पेस बच गया, और इधर से आप देखें तो ये इतना एकदम से मतलब विजिबिलिटी का डिफरेंस आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हमें उधर का दिखाई दे रहा है हल्का हल्का सा, और यहाँ से ये क्लियर है साइड ग्लास देखने के लिए। सेम इधर से ऐसी है। अब पीछे का ये कुछ ऐसा हो गया इसमें, और यहाँ का ये ऐसा हो गया। और बात करें लीगल इनलीगल की, तो कर्टेंस जो है वो वैसे इनलीगल होते हैं। आप जैसे पार्किंग वगैरह में बैठे हो या लगा के खड़े कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो। चलाते हुए आपका चलान हो सकता है तो आप उसी हिसाब से लगाएं, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट आपको ये मिल जाता है, जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठे हो अभी और आप चलते चलते गाड़ी में से मान लो चेकिंग वेकिंग हो रही है तो आप इसको निकाल के ऐसे रख सकते हो। मैग्नेटिक वगैरह आते हैं वो अंदर फंसे होते हैं बिडिंग के, तो उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलती। इस वाले के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि आप अंदर बैठ के इनको लगा सकते हो, निकाल सकते हो। पार्किंग की पर्ची वगैरह आप यहाँ से दे सकते हो। साइड ग्लास की विजिबिलिटी बिल्कुल ओके रहती है और डिफरेंस आप देख सकते हो इसमें काफी आ जाता है। इसमें बाहर से एक बार विजिबिलिटी दिखाते हैं आपको इसकी कैसी है। ये यहाँ से कुछ ऐसा हो गया और बाहर से देखिए आप विजिबिलिटी का डिफरेंस। अंदर से तो बिल्कुल वैसे हो गया था, लेकिन यहाँ से कुछ ऐसा डिफरेंस अलग से आपको पता इसमें चलेगा। लगाना निकालना आसान है और फिटिंग कुछ ऐसी आएगी। इलीगल होते हैं, चलान हो सकता है अगर आप लगा के चलाते हैं तो। बाकी आपके आसपास में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आप अपने आसपास में ही चेक कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ पे चलान होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आप ये सोच के ही लें कि चलान अगर आप चलाते हैं लगा के तो हो सकता है। फिटिंग कुछ ऐसी आएगी इनकी। सेट ऑफ फोर आते हैं, किसी भी गाड़ी किसी भी मॉडल के लिए मिल सकते हैं, लेकिन सबका साइज अलग होता है। हर गाड़ी हर मॉडल का बिल्कुल टोटली डिफरेंट साइज है जो वो होगा इसमें। तो ये है वैगनर के सीरीज के लिए। किसी और गाड़ी के लिए चाहिए या इनके बारे में कोई और क्वेरी हो तो कमेंट करके आप उसकी डिटेल हमसे ले सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।